ससुर के साथ बात करने का ये कौन सा तरीका है? अभी क्या अभी गाड़ी की चाबी और इनका पैसा लौटाओ, इनको लौटाओ। चाचा जी, गाड़ी का चाबी और ये पैसा। लीजिए गुलकंद, थोड़ा खाना खा लीजिए। हमको भूख नहीं है, हमको खाना नहीं खाना है। देखिए गुलकंद, खाना नहीं खाएंगी तो दवाई कैसे ले पाएंगी, इसीलिए कह रहे हैं खाने पे गुस्सा मत निकालिए। तो किस पे गुस्सा निकालेंगे गुलकंद? ये कौन सा तरीका है बात करने का? पहले तुम बदमाशी करती थी, अब बदतमीज हो गई हो। ये बदतमीजी कहां से सीखी तुमने? हम तो नहीं सिखाया तुमको ऐसा। अरे शर्म आता है हमको तुम पर। और ससुराल जाके दहेज का पैसा वापस मांगने की जरूरत क्या था? क्यों गई थी वहां? किसे पूछा था ये सब करने से पहले? और काहे कर रही हो ये सब? आप ही के लिए तो कर रहे हैं हम भैया ये सब। आप ही ना बोले थे कि पैसा का जरूरत है आपको, और फिर ऐसे समय में उन लोग नहीं देगा तो कौन देगा? 1 करोड़ हमारा दबा के बैठा हुआ है। उन लोग वहां चैन से सो रहा है और आप यहाँ परेशान हो रहे हैं। अब आपको जरूरत है तो काहे नहीं मांगेंगे हम? हमारा हक है मांगने का, और फिर दूसरे से छीन रहे हैं का? इसको हमने बिजनेस में नुकसान के बारे में छोटा बात बताया ताकि ये अपने ससुराल चली जाए, लेकिन ये तो उल्टा हो गया। अब क्या करें, इसको कैसे समझाएं? भैया आप इतना मत सोचिए, हम जो किए हैं ना ठीक किए हैं। गुलकंद, बिजनेस में जो नुकसान हुआ है वो हमारे कारण हुआ है, और इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वहां जाओ और उनसे पैसा मांगो। हमारे नुकसान के लिए वो लोग जिम्मेदार नहीं है, ये बात तुम समझ लो। ये गुलकंद हमारे पावजी से पैसे ऐंठ के ही मानेगी, ये अपने भैया की नहीं सुनने वाली। इसको तो हमें ही समझाना होगा। गुलकंद, हमने तुमसे कहा तो था कि अगर भैया का बिजनेस में इतना नुकसान हुआ है तो ये हमारा फर्ज है कि हम उनका मदद करें, और इसके लिए हम इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लाने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तुमको वहां घर जाकर इतना बड़ा तमाशा करने की क्या जरूरत थी? भैया, भाभी आप जाके बच्चा सबको संभालिए, हम गुलकंद को समझाते हैं। दर्द हो रहा है का? ना, हम दवा लगा देते हैं। गुलकंद, हम समझते हैं कि तुमने ये सब अपने भैया के मुंह में किया, लेकिन गुलकंद तुम्हें वहां घर जाकर तमाशा करने की क्या जरूरत थी? हाँ, अरे हमारे बाबूजी बहुत परपंची आदमी, कहीं तुम्हें चक्कर में कुछ हो जाता तो? आप सही कह रहे हैं, लेकिन भैया को जरूरत था इसलिए हम गए थे वहां। गुलकंद, तुम ये सब करके अपने भैया की मदद नहीं कर रही, बल्कि उनका टेंशन और बढ़ा रही है। हाँ पंडित जी, अगला कोई मुहूर्त बताइए ना। अरे पायल और देव का शादी का अभी थोड़ा मुश्किल है। पंडित जी, उसके पहले कोई शुभ दिन है? नहीं है। अच्छा ठीक, प्रणाम। क्या हुआ? कुछ नहीं हो सकता मां, हमें 2 दिन में ज्वाइन करना ही होगा। तो छोड़ दो नौकरी, हमको अभी इसी समय तुम्हारा शादी करवाना है,
और तुम्हारा नौकरी से ज्यादा जरूरी ना तुम्हारा शादी है, तो बस छोड़ दो नौकरी। अरे इंदू जी, ऐसे कैसे छोड़ देगी नौकरी? नहीं जी, आप हमको मत समझाइए, शादी टालने का मतलब समझते हैं ना आप, तो इसको नौकरी छोड़ना होगा बस। माही आप कैसी बातें कर रही है, नौकरी छोड़ दे, जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की, आप सबने इतने कष्ट उठाए, जिसकी वजह से हमें ये पहचान मिली, आप कह रही हैं हम ये पहचान मिटा दें? और पढ़ाइए लड़की को, बनाइए इंजीनियर। अरे इतना मुश्किल से रिश्ता मिला है, ऊपर से इतना काम, नौकरी ने नाक में दम कर दिया है, ये सब जो इतना तामझाम किया उसका क्या होगा? बहुत उपाय सोचता है ना आपको, बताइए कोई उपाय। पापा, माँ, हमारे पास शादी को टालने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और एक बार ज्वाइन कर लिया तो 3 महीने तक तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नई जगह पर ज्वाइन करने के बाद 3 महीने तक कोई छुट्टी नहीं मिल पाएगी। अरे अभी हम बात किए पंडित जी से, 6 महीने तक कोई मुहूर्त नहीं है शादी का। अब क्या करें, कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। आप बात कीजिए ना उनसे, उनसे भी तो राय मशवरा करना होगा, यहाँ तो बात हाथ से निकलता जा रहा है। हाँ पापा, एक बार आप प्लीज उन लोगों से भी बात कीजिए ना। हम भी यही सोच रहे थे कि एक बार ये परिस्थिति जोगेश्वर जी के सामने रखनी पड़ेगी। गुड डन रजत, चलो हम चलते हैं, उनसे बात करते हैं। छा माने बात शादी होगा? हाँ संदीप जी, अब देखिए उसके बिना दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। माफ कीजिए, आप लोग बैठ के बातें कीजिए, हमें जाना होगा। कोई बात नहीं बेटा। जोगेश्वर जी, हम भी शादी में देरी करने के इच्छुक नहीं हैं, लेकिन अब आप बताइए, जैसा आप फैसला लेंगे हम वैसा कर लेंगे। आप लोग तो हमको बहुत असमंजस में डाल दिए हैं। असमंजस में तो हम लोग भी हैं, आप देख ही रहे हैं। आखिरकार एक उपाय सूझा है। का हम तय कर लिए हैं कि हम देव का और पायल बिटिया का शादी देव घर में जाके कर देते हैं। भाई इसमें क्या बड़ा बात है, हम पहले भी आपसे कह चुके हैं कि हम हर स्थिति में पायल बिटिया का साथ देने के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। यह हमारा ख्याल से तो गजब आइडिया है, ये तो इन लोगों को मान लेना चाहिए भाई। क्या हुआ, आप लोगों को कोई दिक्कत है? भाई हमने आपको जो है बहुत ही उत्तम उपाय बताया है। संदीप जी, ये संभव नहीं होगा, हमें कोई और ही उपाय ढूंढना पड़ेगा। दरअसल देवघर जाके ज्वाइन करने के बाद पायल को कम से कम 3 महीने तक कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, और फिर ये जो डेट तय हो गई है उसके बाद 6 महीने तक तो कोई मुहूर्त ही नहीं। अब शादी टालने के अलावा दूसरा कोई उपाय दिखाई नहीं दे रहा है। चाचा जी, आप जरा इस बारे में सोचिए, हम बाद में फोन करके बात करते हैं। अच्छा जी, अब हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। प्रणाम। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा हाँ।
आफत पर आफत, किसी को शादी का नहीं पड़ा है। माँ आज खाने में क्या बनेगा? अरे हमसे काहे पूछ रही हो, जिसका जो मन आए सो करो। वैसे भी अब ये शादी तो होगा नहीं, जो बनाना है बनाओ। माँ आप भाभी पर क्यों चिल्ला रही हैं? इसमें उनकी क्या गलती है? देखो हमारा माथा गरम मत करो, अरे हम ऐसे ही बहुत परेशान हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा। लगता है ये लोग आ गए। देव जी आप यहां? चाची जी आज हम पायल जी से मिलने आए, लेकिन बिना आपकी अनुमति के हम उनसे कैसे मिल सकते हैं? हमने आपसे वादा किया है शादी तक उनसे मिलना तो दूर उनके आसपास भी नहीं फटकेंगे, लेकिन अभी जो परिस्थिति है उसमें पायल जी से मिलना, उनसे बात करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन बेटा हल्दी के बाद आपका पायल से मिलना ये ठीक शगुन नहीं है। जी चाची जी हम समझते हैं आपकी बात को, लेकिन शगुन नपशगुन ये सब हमारे ही तो बनाए हुए हैं, किसी इंसान से बढ़कर तो ये सब नहीं है ना। और इस वक्त हमारे लिए पायल जी से मिलना, उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है, वरना हमारी शादी टल सकती है और ये किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। आई बैठिए। पायल यहाँ आओ बेटा। बैठो, देव जी तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। अलका नीलू चलो हमारे साथ। पायल जी ये सब पता नहीं देव जी, सब कुछ अचानक हो गया। पर कोई तो रास्ता होगा ना? कोई रास्ता नहीं है। मतलब हमारी शादी? नहीं, कोई तो रास्ता होगा, कोई तो उपाय होगा ना जो हम नहीं सोच पा रहे। हमें जाना ही होगा देव जी, हमें वहां का चार्ज संभालना ही होगा। और अगर कुछ हो सकता है तो रांची सेक्रेटेरिएट से ही हो सकता है। अच्छा ठीक है देव जी। पायल जी अब हमारी शादी तय दिन और तय मुहूर्त में ही होगी, ये वादा है हमारा आपसे, ये वादा है हमारा।
गुण लक्षण योग ई सब कुछ तो अभी के तरफ इशारा कर रहा है भाई। तो इसका हिसाब से तो शादी अभी होने चाहिए। जसवाल जी, अरे कहाँ खोए हुए हैं? कुछ सोचिए वरना अनर्थ हो जाएगा। ये जो सपनों का स्वर्ग है ना, ये धाराशाही होने वाला है। कुछ सोचिए, कुछ कुछ उपाय निकालिए। हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा। जोगेश्वर बाबू, एक रास्ता है। अरे तो जल्दी बताइए भाई, कौन सा? हम तुम जो है ना कमिश्नर ऑफिस चलते हैं, उसको घूस खिलाएंगे। क्या? पैसा से सब कुछ होता है भाई। अरे यही एक उपाय है पायल का शादी करने का। कमिश्नर को घूस खिलाते हैं, पायल का ट्रांसफर रुकवाते हैं। बता रहे हैं ना आपको, ये कमिश्नर है ना, उसका हाथ में है सब कुछ। अरे हाँ, हो सकता है, लेकिन आप तो जानते हैं भुवनेश्वर जी और उनका परिवार, वो तो ईमानदारी का पुतला है। और उन लोगों को बुरा लग गया तो? अरे हम कौन सा पैसा से भरा हुआ बैग ले जाने के लिए बोल रहे हैं? अरे दूसरा तरीका भी तो होता है ना, हर होशियार को इशारा काफी होता है। आई सब में तो आपका कोनो सानी ही नहीं ना। सर जी, आपसे कोई मिलने आए। कौन है? नाम नहीं बता रहे, बोल रहे हैं याचक है, याचिका लेकर आए। भेज दो। ठीक है सर। नमस्ते कमिश्नर साहब। अरे जोगेश्वर जी आप? नमस्ते कमिश्नर साहब। नमस्ते नमस्ते। और ये क्या है? कमिश्नर साहब कहा था, इधर से हम गुजर रहे थे तो मन में आपका विचार आया। हमने कहा नहीं भाई, आपसे तो मिलना ही चाहिए, तो आपसे मिलने आ गए। और ये जो है, ये हमकी बेटी है, आपके लिए उपहार में लाए हैं। क्या है कि भाई हम भूलेंगे क्या, आपसे कम इतना हमारा मदद की है। मदद? अरे उस दिन तो हमारे कारण आपको तकलीफ हो गई थी। नहीं नहीं कमिश्नर साहब, काहे का तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं हुआ था उस दिन भाई। वो आपका काम था तो काम था। देखिए तकलीफ में तो हम लोग अब हैं। अब बताइए, शादी के समय ही ट्रांसफर हो गया, अब जिसका शादी होने जा रहा है वही बाहर चली जाएगी तो शादी कैसे होगा? आप ही बोलिए। अरे हम भी आपको काहे के लिए बता रहे हैं, आपको तो सब पता ही है। जोगेश्वर जी आप बैठिए तो सही। अच्छा बैठिए। धन्यवाद कमिश्नर साहब। ये बताइए क्या लेंगे, चाय ठंडा? ठंडा चाय कॉफी तो कमिश्नर साहब कभी भी हो जाएगा, लेकिन अगर समय से शादी नहीं हुआ, आप समझिए हमारा बात को, अगर समय से शादी नहीं हुआ ना तो समाज के सब जो लोग हैं ना, इनको जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप समझिए। देखिए आप कमिश्नर हैं, हम जानते हैं आप चाहेंगे ना तो हमारा देव और पायल बिटिया का शादी हो ही जाएगा। हम तो चाहते हैं कि दोनों की शादी जल्द से जल्द हो जाए। हाँ तो इसीलिए तो कमिश्नर साहब, कि शादी जल्दी हो जाए। उपहार में ये आम की पेटी लाए। अब देखिए हम आपको बताएं, आम का स्वाद दुगना हो जाता है जब आम के आम गुठलियों के दाम साथ में हो। देखिए कमिश्नर साहब, आप समझिए हमारा बात को थोड़ा, जब आपका बस कृपा होना बाकी है वो कर दीजिए। देखिए आप गलत समझ रहे हैं। ना 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 कमिश्नर साहब, एक बार हम आपको बता दें, वैसे तो हम बहुत ही आदर्शवादी और बहुत ही स्वाभिमानी आदमी हैं, और जहां तक हम जानते हैं शायद आप भी ना आम का गुठली में कोई इंटरेस्ट रखते नहीं हैं। लेकिन क्या करें, ये समाज ऐसा है कि हमारा आपका जैसा लोगों से नहीं चलता है भाई। आपका ऊपर भी तो लोग है ना, और कुछ लोग तो ऐसा होगा जो आम में कम उसका गुठली में ज्यादा इंटरेस्ट लेता होगा। हम इसीलिए आपके लिए नहीं, हम उन सब के लिए ही लाए हैं कि भाई देखिएगा, कुछ ले देके अगर हो जाता है कमिश्नर साहब तो देखिए बच्चा सबका भला हो जाएगा।
जोगेश्वर जी ये संभव नहीं है।